स्टडी माई वे डबल डबल एंड हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास सिक्स की हिस्ट्री का चैप्टर एट कर रहे हैं, वाइटल प्लेसेस एंड द थ्राइविंग टाउन्स, महत्वपूर्ण गांव और संपन्न या डेवलप शहर। प्रभाकर एट द ए ब्लैक स्मिथ शॉप, प्रभाकर द्वार की दुकान पर। प्रभाकर सैट वॉचिंग द स्मिथ एट द लोकल शॉप। प्रभाकर अपने पास की लोकल दुकान से स्मिथ को काम करते हुए देख रहा था। देयर वाज अ स्मॉल द बेंच ऑन द विच आयरन, वहाँ पर एक छोटी सी बेंच थी जिस पर आयरन टूल्स रखे थे, एक्सेस एंड द सिकल्स, हंसिया और कुल्हाड़ी वर लेड आउट एंड रेडी फॉर सेल, जो किसके लिए बेचने के लिए तैयार थे। ए ब्राइट फायर वाज बर्निंग, काफ़ी तेज आग जल रही थी। द टू मैन वर द हीटिंग एंड द बिडिंग द मेटल रोड इन टू द शेप, कि जो दो आदमी थे वो गर्म कर रहे थे उस आयरन रोड को और पीट रहे थे ताकि उसको एक सही तरह सेप दी जा सके। इट वॉज द वेरी हॉट एंड नोइसी, वहाँ पर बहुत गर्मी थी, बहुत गर्म था और शोर शराबा था। द येट इट वॉज द ए फैसिनेटिंग द वॉच वाटर हैपनिंग, फिर भी वो काफ़ी मोहक लग रहा था जो वहाँ पर सब कुछ हो रहा था। आयरन स्टूल एंड एग्रीकल्चर्स, आयरन लोहे के औजार और कृषि। We often take the use of the iron for a granted today. आज लोहा का उपयोग होना, लोहे के का यूज़ करना एक आम बात है। Things made of the iron, जो भी चीज़ें लोहे या स्टील की बनी होती है, आज अ पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ, के हमारे रोज के मर्रा के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। द यूज़ ऑफ द आयरन द बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड द 3000 ईयर एगो, और जो ये लोहे का उपयोग किया गया, लोहे की शुरुआत हुई सब कॉन्टिनेंट पर लगभग 3000 साल पहले हुई। सम ऑफ द लार्जेस्ट द कलेक्शन ऑफ द आयरन टूल एंड द वेपन्स वर फाउंड इन ए मेगालिथिक द एपरियर अबाउट द विच यू रीड चैप्टर फोर। चैप्टर फोर में हमने क्या ये मेगालिथिक बड़े बड़े पत्थरों की कब्रों को देखा, उसमें हमें बहुत सारे लोहे के टूल्स और हथियार दबे हुए मिले हैं। अराउंड द 2500 ईयर को 2500 साल पहले, देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ द आयरन टूल्स, कि जो भी कृषि को उगाने के लिए कुछ आयरन टूल का उपयोग किया गया। दिस इंक्लूड द एक्सिस फॉर ए क्लिनिक फॉरेस्ट, और उसमें जो एक्सिस मिली है, कुल्हाड़ी मिली है, वो जंगलों को साफ करने के लिए यूज होते थे। एंड द आयरन प्रोशियर, और एक लोहे का फल भी हमें मिला है। लोहे का फल कैसे होता है कि जैसे हमारा प्लो होता है, हल होता है, तो उसमें कुछ इस तरह से लोहे की लगे थे ताकि वो जो हार्ड सोल्स होती है उसको आसानी से टर्न कर सके। एज वी हैड द सीन चैप्टर फाइव में पढ़ा है, द प्लो शेयर वॉज इन द यूजफुल फॉर द इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोटेक्शन, जो प्लो शेयर है उसको यूज किया गया ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोटेक्शन बढ़ सके। अब मेरे कुछ ये टूल्स मिले हैं, आयरन टूल्स। हेयर इज द सेट ऑफ द कैप्शन, इस चित्र में हमें कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। चूज द राइट वन ऑफ द ईच ऑफ द पिक्चर, सिकल्स, ठीक है, सिकल्स, टोंग मतलब चिमटा हो गया, ठीक है, और परहैप्स ए लिस्ट ऑफ द फाइव ऑब्जेक्ट मेड आयरन द स्टील दैट यू यूज द ऑलमोस्ट एवरी डे। आप क्या कर सकते हो, पांच ऑब्जेक्ट्स में बता सकते हो जो भी लोहे स्टील के बने होते हैं, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अदर स्टेप टू द इंक्रीज प्रोटेक्शन, एक तो हमारा जो प्रोटेक्शन था कि किस तरह से उपयोग कर सके आयरन के फल से, उसको अब मिट्टी को आसान से टर्न कर सके और उसमें अच्छे से फर्टिलाइज कर सके। सेकेंड स्टेप है कि किसी प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए हम उसको इग्रेशन की सिंचाई के लिए भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। द किंग एंड द किंगडम यू हैव इन द रीडिंग द अबाउट द कुड नॉट हैव द एग्जिट विदाउट द सपोर्ट और फरिशिंग द प्लेसिस, किसी भी गांव का फूलना, मतलब जो भी राजा था इसका साम्राज्य, तब तक वो डेवलप नहीं कर सका जब तक कि उसको सहायता ना मिले जो फल फूल रहे थे गांव। वाइल द न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ए ट्रांसप्लांटेशन, कि जो भी नए टूल्स थे और ट्रांसप्लांटेशन थे, ठीक है, प्लांटेशन कि इंक्रीज द प्रोडक्शन। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि नर्सरी में छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, फिर उन छोटे छोटे पौधे को हम फील्ड में जाके उसको क्या कर देते हैं, उसको बो देते हैं, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा प्रोटेक्शन हो सके। इंक्रीज प्रोटेक्ट इरीगेशन वॉज ऑल्सो यूज, और सिंचाई को भी यूज किया गया। इरीगेशन वर्क
वर्क दैट द विल द बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम द इंक्लूड द कैनाल वेल टैंक्स आर्टिफिशियल डिक्स। और दूसरे इरीगेशन के का जो काम होता था वो अलग अलग टाइम में कुछ चीज़ों से कैनाल से होता था, ठीक है, नहरों से होता था, वेल से होता था, कुओं से होता था, टैंक से होता था, आर्टिफिशियल लेक्स झीलों से होता था। इफ़ यू लुक ए द चार्ट, हमें एक चार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यू विल द फाइंड द सम ऑफ द अदर स्टेज, कि कुछ स्टेज होती है कंस्ट्रक्शन ऑफ इरीग्रेशन की वर्क इन द मेंस जो हमें इसमें दी गई है। सबसे पहले फिल द रेस्ट बाई द यूजिंग द फ्लोइंग ए फ्रेजिस, हमें क्या करना है, ये जो हमें कुछ स्टेप्स दिए गए, लेबर इज़ द प्रोवाइडेड बाई द पीपल, अब जो भी हम फ्रेजिस थे, जो भी काम होता था वो इस स्टेप बाय होता था, जैसे जो लेबर लोगों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था कि लेबर का काम लोग करते थे। फार्मर आल्सो द बेनिफिट बिकॉज द क्रॉप प्रोडक्शन इज़ द मोर सर्टेन, कि जो किसान होते थे उनको लाभ मिलता था जब प्रोडक्शन उनकी इच्छाओं से ज़्यादा हो जाता था, वो चाहते थे कि इतना प्रोडक्शन लेती उससे ज़्यादा हो जाए तो उससे उनको बेनिफिट मिलता था। फार्मर हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे द टैक्सेस, क्योंकि फार्मर को तो क्या करना होता था, टैक्स देना होता था, तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता था वो आसानी से टैक्स को चुका सकते थे। किंग्स प्रोवाइड द मनी एंड द प्लांट इरीगेशन वर्क, और राजा क्या करते थे, कुछ पैसे देते थे और सिंचाई के वर्क के लिए कुछ योजनाएँ बनाते थे। जो ये स्टेप दिए कंस्ट्रक्शन के, ताकि जब वो इरीगेशन ये सिंचाई का वर्क वर्क को बनाने के कुछ स्टेप्स हैं, आप इसमें कुछ तो हमें फ्रेजेस में दिए हुए हैं, बाकी के जो फ्रेजेस वाले हैं ये हम इस टेबल में भरने हैं, ठीक है, जो फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं। इसमें जो सबसे पहले क्या होता है, किंग नीड द मनी फॉर आर्मीज एंड प्लेसेस और एंड द फोर्ट, कि जो राजा होते थे उनको पैसे की जरूरत होती है आर्मी को मेंटेन करने के लिए, प्लेसेस अपने महल को करने के लिए और हमारे किले को, अपने किले को मेंटेन करने को पैसे की जरूरत होती थी, इसके लिए क्या करते थे, उस पैसे को वो कंप्लीट करने के लिए वो फार्मर से डिमांड करते थे। फिर ये क्या करते थे कि थर्ड स्टेप क्या था इसका, फार्मर हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे, अब क्या करना होता था कि जो फार्मर है तो फार्मर को क्या करना होता था, अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा करना होता ताकि वो टैक्स को पे कर सकें। फोर क्या था, दिस इज़ पॉसिबल विद इरीगेशन, भाई प्रोडक्शन का प्रोटेक्शन जब होगा जब उसको सही तरह से सिंचाई की जाएगी, ठीक है। फिर इसमें क्या था कि इसके लिए क्या करते थे कि जो राजा होते थे तो राजा क्या करते थे, राजा किंग प्रोवाइड द मनी फॉर द ए प्लान इरीगेशन वर्क, अब जब हमें इरीगेशन की जरूरत होती थी तो किंग क्या करते थे, हमें पैसे देते थे किसानों को और क्या नाम उसका प्लान बनाते थे सिंचाई के काम के लिए। फिर सिक्स क्या होता था कि लेबर इज़ द प्रोवाइडेड, अब इसका सिक्स स्टेप है कि लेबर इज़ द प्रोवाइडेड बाय द पीपल, की जो लेबर होती थी वो लोगों के द्वारा की जाती थी, पूरी की जाती थी, तो इससे क्या होता था, लोग काम करते थे तो उससे क्या होता था, प्रोटेक्शन इंक्रीज होता था। फिर सोर्ट से प्रोटेक्शन इंक्रीज होगा तो उनको राजा को क्या मिलेगा, ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। और उसके बाद में नोवा स्टेप क्या होगा, नोवा स्टेप हो जाएगा कि फार्मर आल्सो द बेनिफिट बिकॉज, ये नाइन स्टेप है, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, फार्मर आल्सो द बेनिफिट बिकॉज द क्रॉस मतलब क्रॉप प्रोडक्शन इज द मोर सर्टेन, कि जो फार्मर होते थे उनको क्या होता था, उनको लाभ होता था जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता था, मतलब टैक्स के बाद भी उनको कुछ पैसा बच जाता था, तो वे अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए वो अपने आप को क्या करते थे, उसके लिए वो सक्षम होते थे। वो लिव इन द विलेजेस, विलेज में कौन कौन रहता था, कि देर पर इन द एटलीस्ट द थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ द पीपल लिव इन द मोस्ट द विलेज इन द ए सदर्न एंड द ए नदर्न पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट, कि जो साउथ के और जो नॉर्थ की साइड में तीन टाइप के लोग रहते थे। इन द तमिल रीजन लार्ज ए लैंड ओनर्स वर आल्सो ए वेलार्स, कि जो जो तमिल का सबसे बड़ा पार्ट था वहाँ पे लैंड ओनर्स रहते थे जिनको ए वेलार्स बोला जाता था। ऑर्डिनरी द ए ना ए प्लोमैन, कि जो ऑर्डिनरी सामान्य लोग होते थे, ठीक है, किसान तो उनको बोलता उज्जेवर, और द इंटर लैंडलेस, ठीक है, लैंडलेस जो होते थे जिनके पास भूमि नहीं होती या उनको स्लेव उसमें गुलाम भी होते थे, वर नून एज ए कड़ाईसियार और अधिमाई, क्या बोलते थे, कड़ाईसियार और अधिमाई, तो तीन तरह के होंगे, एक तो लैंड ओनर्स होंगे जिनके पास जमीन होते थे वेलार्स बोलते थे, जो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट्स होते थे उनको उज्जेवर बोलते थे, और जो लैंडलेस लेबर्स होते थे जिसमें गुलाम भी होते थे उनको
कड़ाई सियार और अधिमाई बोल देते हैं। इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, अब जो मतलब इसका नॉर्थ की साइड में जो भी लोग रहते थे उनको बोलते थे नॉर्थ में रहने वाले। द विलेज द हेडमैन वॉज नोन एज द ए गामो बोज, उसके क्या बोलते हैं ए गामो बोज बोलते थे, जो हेड होता था विलेज का। यूजली मैन मैन इन द फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड इन द पॉसिबल फॉर द जनरेशन। सामने क्या होता था, जो जो सेम फैमिली होती थी तो सेम फैमिली वाले की पोजिशन एक जनरेशन होती थी। इसका मतलब क्या होता था कि जो ग्राम भोज होते, ग्राम भोज के एक जैसा उसका पिताजी होंगे तो उसका बेटा बन जाएगा, फिर उसका बेटा, तो जनरेशन से इस तरह से ग्राम भोज का बनते थे। इन द अदर वर्ड द पोस्ट ऑफ द ए हेडिट्री, उनकी किस तरह की पोस्ट थी मतलब उन सख्त थी। द ग्राम भोजा वाज द ओफन इन द ए लार्जेस्ट लैंड ओनर्स, वो क्या थे बहुत ही बड़े जमींदार होते थे। ठीक है, जनरली ही हैड इन द स्लेव्स एंड वे क्या करते थे, जनरली उनके पास बहुत सारे गुलाम रहते थे और हायर वर्कर रहते थे जो कल्टीवेट द लैंड को क्या बोलते बुआई करते थे और वो किराए पर लोगों को रखते थे, गुलामों को रखते थे। बिसाइड एट ही वॉज पावरफुल, वे काफ़ी पावरफुल थे, शक्तिमान थे, शक्तिशाली थे। द किंग द ऑफन द यूज हिम टू कलेक्ट इन द टैक्सेस फॉर द विलेज, इसलिए जो ग्राम भोज के होते थे राजा उनको क्या करते अपॉइंट करते थे ताकि वो गांव से टैक्स को ले सके फार्मर वगैरह से। ही आल्सो इन द फंक्शन एज ए द जज, कभी कभी वो एक जज के रूप में भी काम कार्य करते थे। एंड द सम टाइम एज अ पुलिसमैन, कभी कभी वो पुलिसमैन के रूप में भी काम करते ग्राम भोज का। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोज का देयर वर इन द अदर इंडिपेंडेंट फार्मर, इसका जो ग्राम भोज का एक दूसरा पार्ट था जहाँ पर दूसरे तरह के स्वतंत्र वो भी थे, किसान भी थे, नोन एज ए क्रैपति, उनको क्या बोलते हैं हम, जो इनसे अलग किसान थे तो उनको क्रैपतीस बोला जाता था। मोस्ट ऑफ द हु था ए स्मॉलर द लैंड ओनर्स, वो क्या होते छोटे छोटे जमींदार होते थे। एंड द देन देयर वर द मैन, जिसमें औरतें और मैन दोनों ही होते थे, जिनको दासा और या कर्मकारा बोला जाता था। वो डिड नॉट हैव ओन द लैंड, उनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। एंड द हैड टू द अर्न ए लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड, वो क्या करते थे अपने जीविका खेतों में काम करके ही चलाते थे। ठीक है, ओनर बाय अदर, जो दूसरे वो होते थे किसान, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे वो इनको अपॉइंट करते थे ताकि वो वहाँ पे कल्टीवेट कर सके और उसकी मजदूरी से अपना काम चलाते थे, गृहस्थी चलाते थे। इन द मोस्ट विलेज देयर वाज आल्सो द सम क्राफ्ट पर्सन सच एज इन द ब्लैक स्मिथ, पॉटर्स, कारपेंटर्स एंड द वीवर, और इसके क्या होते थे कि बहुत सारे गाँव में दूसरे तरह के थे जो शिल्पकार थे, हाथ से बनाने वाले थे या लोहार थे, पोर्टर, कुम्हार थे, कारपेंटर, बढ़ई थे और बुनकर थे। द अर्लीस्ट द तमिल ए कंपोजिशन, कि इसका पहले जो तमिल को किस तरह से कंपोज किया गया था सबसे पहले। ठीक है, सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल, सबसे पहले क्या होता था कि जो भी हम काम होता था वो तमिल में होता था, नोन एज अ संगम लिटरेचर, तो वो संगम लिटरेचर से क्या होता था काम होता था, जो भी पहले तमिल में जो भी काम किया गया, जो भी रचनाएं थी उसको क्या बोल जाता है, उनको बोलते हैं संगम लिटरेचर या संगम साहित्य। वर्क कंपोज अराउंड इन 2300 ईयर अगो, और जिनको बनाया गया 300 साल पहले। देयर वर इन द कॉल्ड इन द संगम, इनको संगम इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे वर सपोर्ट टू हैव द कंपोज एंड द कंप्लाई इन द असेंबली, जो किसके लिए बनाई गई थी, असेंबली ऑफ द पोएट वर हेल्ड इन द सिटी मदुराई, कि मदुराई में जो भी कवियों का सम्मेलन था उसमें उन लोगों के द्वारा ये सपोर्ट करके कंपोज करके बनाई गई थी, इसलिए उनको संगम बोला जाता है। ठीक है, मदुराई आज कैसे बोलते हैं उसको, हमारा तमिलनाडु, मदुराई कहाँ पे, तमिलनाडु में है। ठीक है, द तमिल टर्म इन द मेंशन अबव आर इन द फाउंड ऑफ संगम लिटरेचर, जो भी हमें तमिल की जो भी टर्म्स मिली है वो सब कहाँ से मिली गई है, वो सब हमारे संगम लिटरेचर में मैंसनड है। फाइंड आउट अबाउट द सिटीज़ स्टोरीज एंड द ट्रैवल स्कॉप्चर एंड द आर्कियोलॉजिस्ट, चलो इनके बारे में पता लगाते हैं कि वहाँ पे सैर किस तरह की थी, कहानी किस तरह की थी, ट्रैवल्स कौन थे, ट्रैवलर और स्कल्पचर मूर्तियाँ कैसी थी, आर्कियोलॉजिस्ट कैसे थे। यू मे हैव द हियर ऑफ द ए जताका, आपने जताका के बारे में सुना होगा। देयर वर स्टोरी वाज वार्सो पोवैली कंपोज बाय द ऑर्डिनरी पीपल, जो उनकी जो कहानियाँ थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, शायद वो साधारण लोगों के द्वारा ही बनाई गई थी। एंड देन द रिटन डाउन, और उनको लिखा गया था प्रिजर्व बाय ये बौद्धिस्ट
मॉन्क्स, और किसके द्वारा बनाया गया था, जो भी बौद्ध साधु उनके द्वारा को लिखा गया था और उनको संभाल कर रखा गया था। हेयर ए पार्ट ऑफ द जताक स्टोरी, यहाँ पर एक पार्ट है, एक हिस्सा है जतका स्टोरी का, विच टेल अस हाउ ए पुअर मैन ए ग्रेट वैली बिकम रिच, किस तरह से एक जो गरीब आदमी था वो अमीर बना। अब इसमें एक स्टोरी है जताक की, अ क्लेवर पुअर मैन, एक बहुत ही क्या नाम चतुर पुअर मैन। वंस अपॉन टाइम, एक समय की बात है, देर वाज इन द क्लेवर पुअर यंग मैन, तो वो कहाँ पे रहता था, वो सिटी में रहता था। ही इज द ओनली द रिसोर्स वाज द डेट रेट, उसके पास केवल एक मरा हुआ चूहा था। ही स्टार्टेड ऑफ बाय द सेलिंग इट फॉर ए द कॉइन टू द होटल, उसने वो चूहे को बेचना चालू किया और हार्डली उसने क्या कर दिया, फाइनल रूप में उसने होटल वाले को बेच दिया उसकी होटल वाले की कैट के लिए। देन द वन डे देर वॉज स्टॉर्म, एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज तूफान आया। द किंग गार्डनर गार्डन वॉज द ए लिटर्ड विद द ब्रांचेस एंड द लीव्स, जो राजा था, राजा का जो गार्डन बगीचा था वो पूरी तरह से शाखाओं से और पत्तियों से भर गया। एंड द गार्डनर वार इन द लोस एट इज द हाउ टू किल द मैश, कि जो गार्डनर था, जो वहाँ का बगीचे वाला था, वो काफ़ी परेशान हो गए, इस गंदगी को कैसे साफ किया जाए। द यंग मैन द ऑफर टू क्लेव द गार्डन, यंग मैन ने बोला कि मैं आपका गार्डन साफ कर दूंगा इफ़ यू द वुड कीप द वुड एंड लीव्स, यदि आप मेरे को जो भी टूटी लकड़ी है या पत्ते दे दे। द गार्डन एग्रीड एट द वंस, और जो गार्डनर था वो एकदम क्या तैयार हो गया। द यंग मैन इन द राउंड अप ऑल द चिल्ड्रंस, उसने क्या किया, यंग मैन ने बहुत सारे बच्चों का इकट्ठा किया, वो आर प्लेइंग, जो वहाँ पर खेल रहे थे। विद एंड द ऑफर ऑफ द स्वीट, उन्होंने स्वीट ऑफर की फॉर द एवरेज स्टिक्स अंदर लिपते कुर द कलेक्टर, उन्होंने बच्चों को बोला कि आप जितनी भी स्टिक्स को और जितनी भी पत्ते को इकट्ठा करेंगे तो मैं आपको उसके बदले एक आपको टॉफ़ी दूंगा, स्वीट दूंगा। इफ नो टाइम, कुछ भी टाइम नहीं लगा कि एवरी द स्क्रैप्स हैव बीन द नीटली द प्लाइट नियर इन द ड्रेस, की जितनी भी गंदगी थी वो सब इकट्ठा हो गई दरवाजे उसके पास, गार्डनर के पास। जस्ट देन द किंग पोर्टर, तभी राजा का जो कुमार था वो आया, फॉर लुक आउट इन द फ्यूल एंड द विच इन द बैक द पोर्ट्स, वो क्या देख रहा था, कुछ फ्यूल ईंधन को देख रहा था कि वो अपने पोर्ट्स को क्या कर सके, पका सके। सो ही टुक इन द बोल लोड, इसलिए उसने सारा लोड एंड द पेट द यंग मैन फॉर इट, उसने सारा वो जितना भी लकड़ी थी, स्क्रैप्स थे, स्क्रैप का मतलब जो भी सामान था कबाड़ था, वो सब कुछ ले लिया और उसको पैसे दे दिए। आर द यंग मैन नाउ इन द थॉट अनदर प्लान, क्योंकि वो बहुत चालू था, वो तो बहुत तेज था, तो उसने दूसरा प्लान सोचा। ही कैरिड ए जार द फुल ऑफ द वाटर ऑफ द सिटी गेट, अब वो जो शहर का जो गेट था वहाँ पे एक जार भरकर पानी का बैठ गया। एंड द ऑफर द वाटर टू द 500 ग्रास कटर्स, उन्हें क्या किया कि 500 ग्रास कटर को पानी पिलाया, ऑफर किया। एंड दे वर इन द प्लेस सेड यू हैव इन द टर्न अस ए गुड द टर्न टेल अस की वाट कैन वी टू फॉर यू, उन्होंने बोला जब उनको पानी पिलाया तो काफ़ी खुश हो गया, बोला उन्होंने कि आपने बहुत अच्छा काम किया, हम आप सब आपके लिए क्या कर सकते हैं। ही रिप्लाई, उस क्लेवर मैन ने बोला कि आई विल लेट यू नो देन कि आई नीड योर हेल्प, कि मैं आपको बता दूंगा जब मुझे आपकी हेल्प की जरूरत होगी। ही देन द मेड इन द फ्रेंड विद द ट्रेडर, उसने क्या किया, जो क्लेवर मैन था उसने एक ट्रेडर को अपना मित्र बनाया। वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम, एक दिन उस ट्रेडर ने उसको बोला कि टुमारो ए होस्टलर की कल क्या हो रहा है, एक घोड़ों को बेचने वाला इन द कमिंग टू टाउन विद द 500 हॉर्सेस, की 500 घोड़ों को लेके एक होस्टलर यहाँ पे आ रहा है। हियरिंग दिस, इस बात को सुनकर आर द यंग मैन वेंट द बैक टू द ग्रास कटर, वो क्या गया, ग्रास कटर वाले के पास गया। एंड द ही सेड प्लीज़ गिव मी मी बंडल ऑफ द ग्रासेस, की आप मुझे एक बंडल ग्रास दीजिए सब अलग अलग, ठीक है। तो 500 थे तो उन्होंने क्या किया कि जो 500 के 500 जो ग्रास कटर थे उन्होंने सबने अब एक एक बंडल दे दिया, तो उसके पास कितने क्लैट हो गए, उसके पास 500 क्लैक्ट हो गए। वह अब उसने क्या बोला कि ये तो बोला कि आप हमको दे दीजिए, और एक बात और बोली उसने उनको, और बोला कि डू नॉट सेल योर द ग्रास टिल द माइन इन द सोल, कि आप अपने कोई भी आप अपनी ग्रास को नहीं बेचोगे, अपने बंडल को नहीं बेचोगे जब तक मेरी सारी ना बिक जाए। दे एग्री भी सब सहमत हो गए एंड गिव हिम द 500 बंडल्स ऑफ द ग्रास, उन्होंने 500 गुच्छे दे दिए ग्रास के। When the horse dealer तो could not buy the grass anywhere else, जब जो horse था घोड़े बेचने वाला था
उसको कहीं से कोई घास नहीं मिली, तो ही परचेज उसने उस क्लेवर मैन से वो सारी घास को खरीद लिया एंड द यंग मैन द ग्रास फॉर 1,000 coins। और उसने क्या किया, उससे जितने भी उसके पास ग्रास थे 1,000 coin को खरीद लिया, कॉइन में उसको बेच दिया। लिस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन्स द मैन सेड इन द स्टोरी। आप एक लिस्ट बनाइए जो भी इस स्टोरी में ऑक्यूपेशन था, ऑक्यूपेशन कौन कौन से थे इसमें, ग्रास कटर घास काटने वाला ट्रेडर का था, ठीक है। फोर इज द वन ट्राई टू डिसाइड द वेदर दे कुड हैव लिव। आप बताओ कि जो भी इसमें जो भी ये लोग थे वो कहाँ रहते थे, क्या वो शहर में रहते थे या किस गांव में रहते थे या दोनों ही सिटी और विलेजेस में रहते थे। वाई डू थिंक्स द हॉर्स द डीलर वॉज द कमिंग टू सिटी। आप बताइए कि जो हॉर्स डीलर था वो शहर में क्यों आया था, क्यों आया था, वो अपने घोड़सों को बेचने के लिए आया था। डू यू थिंक्स द वुमेन द कुड नॉट टेकन अप द ऑक्यूपेशन मैन सेड इन द स्टोरी। क्या आप सोच सकते हो कि क्या औरतें भी इस तरह का काम कर सकती है, औरतें भी इस तरह का ऑक्यूपेशन को अडोप्ट कर सकती है जो उसमें दिया है। गिव द रीजन द आंसर्स। आप क्या कर सकते हो, इसका कारण बताकर आंसर दे सकते हो। वी कैन द यूज द अदर काइंड ऑफ द एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट द लाइफ इन द सन दिस द अर्लीस्ट डे। पहले जो शहर में जो भी वहाँ के रहने का अलग अलग तरीके थे उसके सबके एविडेंस मिले हैं। स्क्रप्चर्स क्राव इन द सीन्स द एडिपिक्स पीपल। जो स्कल्पचर्स है वो जो मूर्ति बनाने वाला है वो जो भी मूर्तियाँ बनाता था उसमें वहाँ की टाउन और शहर की चीज़ों को पता चलता था कि किस तरह से लोग वहाँ पर रहते थे, एज वेल एज इन द फॉरेस्ट। और ये भी पता चलता था कि वहाँ पे लोग बहुत सारे क्या रहते थे, जंगलों में रहते थे। मतलब जो भी वो पिक्चर बनाते थे, मूर्ति बनाते थे, वो वहाँ की सिटीज़ के बारे में पता चलता था, लाइफ के बारे में। मैनी ऑफ द दिस द ए स्क्रप्चर वॉज द यूज इन डेकोरेट द रेलिंग। कभी कभी जो स्क्रप्चर्स थे, जो मूर्तियाँ थी, वो रेलिंग को डेकोरेट करने के लिए बनाई जाती थी, पाइल्स खंभों को बनाने के लिए बनाई जाती थी, एंड द गेटवे ऑफ द बिल्डिंग दैट वॉज विजिट द पीपल। और जहाँ पर लोग विजिट करते थे वहाँ के बिल्डरों पर वो क्या नाम कलाकारी की जाती थी। अब फेसिंग, अब इसमें देखिए फेसिंग पेज है, इसमें क्या दिया, रिंग रिंग वेल दिया है, ठीक है। रिंग बेल्स द फाउंड, रिंग बेल्स का मतलब क्या होता है कि जो गोल कुएं थे दिल्ली में मिलते हैं। इन द वार्ड द वे डू यू थिंक कि दिस सिस्टम इन द ड्रेन्स वाज द डिफरेंट फॉर्म दैट इज द हरप्पन। कि हरप्पन सिटी में जो भी हमारा ड्रेन सिस्टम था वो आज के से किस तरह से अलग है। अब इसमें ये चीज़ें दी है, अभी है कि मैनी ऑफ द सिटीज दैट इज अ डेवलप फ्रॉम द अबव द 2500 ईयर एगो वाज द कैपिटल ऑफ द महाजनपदास। की बहुत सारी जो सिटीज़ थी वो लगभग 2500 साल पहले क्या गए डेवलप की गई थी, और जिसकी कैपिटल किसकी थी, महाजनपदास की थी, एंड द जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ाया। एज द ही हैड इन द सीन सम ऑफ दिस सिटीज वाज सराउंडेड बाय द मैसिव ए फोर्टिफिकेशन वाल। क्योंकि जो भी उसका सराउंडिंग महाजनपदास थे तो वो चारों तरफ से किससे घिरे हुए थे, बड़े बड़े किलों की दीवार से घिरे हुए थे। इन द मैन द सिटी आर्कियोलॉजिस्ट हैव द फाउंडर रो ऑफ द पोर्ट। और बहुत सारी सिटी में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने उनको एक रो एक कतार मिली है बर्तनों की। इन द ए सिरामिट द रिंग और सिरामिट रिंग मिले हैं, कुछ मतलब सीमेंट्स के छल्ले मिले हैं अरेंज इन द टॉप ऑफ द जो एक के ऊपर क्या रखे हुए थे। दिस वॉज द नोन एज द रिंग वेल्स, उसको बोलते हैं रिंग वेल्स बोलते हैं, रिंग के कुएं बोलते हैं। दिस सीम्स टू हैव बीन द यूज्ड एज टॉयलेट। इन सबको जो रिंग वेल्स होता था इनको टॉयलेट्स के लिए यूज़ किया जाता था कुछ केसेस में। एंड एज द ड्रेन गार्बेज डंप्स, या कभी कभी उसको ड्रेन्स के लिए यूज किया जाता था और कूड़ों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। दीज द रिंग वेल्स आर द यूजली फाउंड इंडिविजुअल हाउसेस। और ये जो रिंग वेल्स थे रिंग ये सब हर इंडिविजुअल हाउसेस में हमको मिलते हैं, वहाँ पे एविडेंस मिलते हैं। वी हैव द हार्डली एंड द रिमेन ऑफ द प्लेसिस। और बहुत ही मुश्किल से ये कुछ प्लेसिस मिले होंगे, महल मिले होंगे, मार्केट्स मिले होंगे, एंड द होम ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, या हम कुछ साधारण लोगों के घर मिले होंगे। परहैप्स सम ऑफ द येट इज द डिस्कवर टू बी आर्कियोलॉजिस्ट, कि शायद कुछ ही चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली होगी। अदर मेड ऑफ द वुड मड ब्रिक्स एंड द ए थेसिस मे नॉट हैव द सर्वाइव। कि जो दूसरी तरह की जो चीज़ें हैं जो लकड़ी की बनी हुई थी या मिट्टी की बनी हुई थी या घास फूस की बनी हुई थी वो तो मुश्किल से सर्वाइव की होगी। अनदर वे ऑफ द फाइंडिंग आउट अबाउट द अर्लियर सिटी फ्रॉम इज द अकाउंट ऑफ सेलर। कभी कभी हमें क्या होता है कि जो भी हम पहली जो सिटीज़ होती है, शहर होते हैं, उनको हम जो सेलर होते हैं, ठीक है, सेलर के अकाउंट होते हैं, सेलर के जो भी मतलब वहाँ पे जो घूमने के लिए आते थे या ट्रैवल करते थे
ठीक है, उनके हमें जो रिटन एविडेंस से मिली है, ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने वहाँ पे यात्रा किए हैं या जो घूमने आए हैं उनके जो भी उन्होंने रिटेन में जो भी एविडेंस रखे उससे हमें मिलते हैं कि पहले सिटीज़ किस तरह की थी। वन ऑफ द इन द मोस्ट डिटेल अकाउंट दैट हैज़ बीन फाउंड आउट वॉज द अननोन द ग्रीक सेलर, कि सबसे ज़्यादा हमें जो एविडेंस मिले लिखित मिले हैं वो हमें एक ग्रीक सेलर है उससे मिले हैं। ही डिस्क्राइब ऑल इन द पोर्ट है पोर्ट ही द विजिट, और उन्होंने ये भी किया है कि हमने वहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स को देखा, बहुत सारे बंदरगाहों को देखा जो उन्होंने वहाँ पे यात्राएं की थी। फाइंड फाइंड ए बरूज इन द मैप 7, अब हमें बरूज बताना है कि वो कहाँ पे है मैप 7 में, एंड देन द रीड इन द ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी, और फिर हमको इस सिटीज़ के बारे में उसमें डिस्क्राइब करेंगे। बाकी का हम सेकेंड चैप्टर सेकेंड पार्ट में इसको कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।